पर बहुत सी बातें हुई राज दुनिया से हुई बात ही अल्लाह वालों जो है पचास वक्त की कई तोहफों में पचास वक्त की नमाज दी गई फर्ज उम्मत के लिए। जब वापस हुए तो चौथे आसमान पर हजरत मूसा से मुलाकात हुई छठे आसमान पर, क्या मिला आपको तोहफा? कहा कि पचास वक्त की नमाज मिली। हजरत मूसा ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत बनी इसराइल को आजमा चुका हूँ, मेरी उम्मत पर तीन नमाजें थे वो भी नहीं पढ़ते थे, आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, पचास नहीं पढ़ सकती, आप जाकर कम कराइए अल्लाह से। देखो तो पैगंबर की अकल, देखो पैगंबर की सब और कमज़ोर है, फिर गए अल्लाह कम कर दे, फिर पहुँचे 45 नमाजें हुए, फिर क्या हुआ 45, अरे बहुत है नहीं पढ़ती उम्मत आपकी मूसा अलैहिस्सलाम, फिर तशरीफ ले गए 40 हुए, 35 हुए, 30 हुए, 25, 20, 15, 10, आखिर में 5। अर्ज़ किया कि कितने हुए? 5 नमाजें। फरमाया मूसा ने कि आपकी उम्मत कमज़ोर है, 5 नमाज भी नहीं पढ़ सकती, मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ी, काम काम कराइए सकारमाए, बार बार जा रहा हूँ, मुझे शर्म आ रही है अल्लाह से, अल्लाह से शर्म आ रही है, मुझे मंजूर है। बताया गया कि 5 पढ़ेंगे 50 का समझेंगे। आप देखिए पैगंबर की अकल जो दी अल्लाह ताला, आज देखिए मैं अमेरिका में देखा, पाकिस्तान सोरिया में नमाज नहीं, जुम्मे में हाउस हूँ, जुम्मे में रमजान में पढ़ते ही नमाज, अरे एक काम तो करो यार, एक काम तो करो नमाज का, पूरे अहकाम नहीं तो नहीं, नमाज तो पढ़ो कम से कम। आप देखिए पूरे अहकाम में हमारे आका ने नमाज को इस्लाम की इमारत का सुदूर करा दिया। असर फरमाया हुज़ूर ने अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन की बुनियाद, दीन का पिलर है, वो तो काफ़ी था मालूम, ये पिलर में छत है, ये निकाल दो खुद बैठा था, अगर ये पिलर निकाल देंगे खुद बैठा था, अकल में आला की बुनियाद पर है ना, मगर कुर्बान जाए हुजूर ने खुद शरा कर दी। आगे फरमाया फमन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन इस्लाम को कायम किया, वमन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने इस्लाम की इमारत गिरा दिया। तो बुनियाद नमाज, इस पर पूरी इमारत है। औलिया अल्लाह भी उतारे दिए, पीरान पीर गौसे आज़म फरमाते हैं बे नमाजी की नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन ना किया जाए। उस सिलसिले चिश्तिया की औलिया के इमाम ख्वाजा आज़म शेख मोइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं क़ियामत के दिन 50 चीज़ों का सवाल होगा, सबसे पहला सख्त तरीन सवाल नमाज का होगा। और फरमाते ख्वाजा आज़म शेख मोइनुद्दीन चिश्ती कि कोई शख्स किसी इबादत के ज़रिए, कोई शख्स किसी इबादत के ज़रिए किसी सूरत में अल्लाह की नज़दीकी, अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं कर सकता जब तक नमाज ना पढ़े। मेरे भाई कमाओ से नमाज पढ़े, पढ़ेंगे मैं इंशाल्लाह ताला। मेरे भाई अल्लाह मोहताज नहीं है, रमज़ान करीब है, एक महीना है, रमज़ान के एहतराम में नमाज शुक्र है, अरे पूरे अहकाम में नहीं चले जाने दो, कम अज़ कम ज़िंदगी भर याद करें, इंशाल्लाह हम कम अज़ कम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हमारी नमाज का मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के रहम के मोहताज हैं, हुजूर हमारे दुरूद के मोहताज नहीं है, हम हुजूर के उसके मोहताज हैं, शफात के मोहताज हैं। बातें बहुत सी हैं, जन्नत में देखे ला था बोर्ड लिखा जन्नत दरवाजे पर कि खैरा जो देते हैं सवाब 10 गुना है, और कर्जा दिए 18 गुना, खैरा दे रहे फ्री दे रहा पैसा, फ्री जा रहा, कर्जा दिए तो 18 गुना, अल्लाह क्या रहा से आए हबीब, भीख मांगने वाला आज की आदत है, जरूरत रहो मतलब मांगता हूँ, मांगने वाला आदत पड़ी हुई है उसको, पर कर्ज मांगता है जब तक सख्त मजबूरी ना नहीं मांगता। और जन्नत में अय उमर मैंने तुम्हारी हूर को देखा, जन्नत के हाथ पर वजू कर रही थी, तुम बड़े गैरत बने, तुम्हारी गैरत मुँह मुँह पलटा लिया, या रसूलल्लाह आप ही गैरत करूँगा, ज़रूर मेरी हूर को देखना था। और जो आए बिलाल पढ़ेगी किताबें ऐसी मोटी हैं, शौक़ होना टाइम देना। एक खास बात के जब दोजक के मुशाहदा किए हुजूर, तो दोजक का जो दारुगा फरिश्ता है एक तबके को छुपा दे रहा था, एक तबके को जो दोजक का सरकार को नहीं दिखाना चाह रहा था, छुपा दे रहा था, अरे वो दिखाओ, अरे दारू का दोजक दिखाओ, क्या कुछ सरकार को सदमा होगा, देखे दिखाया तो देखे दोजक को चल रहे, ये कौन है, अरे दारू का दोजक, या रसूलल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो बग़ैर तौबा किए मर गए, अगर तौबा करके मरते, गुनाहों की माफ़ी मांग के मरते तो दोजख नहीं जाते। सगर माते अत्ताइबू
मिना जम्बी कमल्ला जम्बलू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अभी आया मैं रस्ते में खींच लगा, देखिए बोले क्या मैं साहब पास करने आए क्या है यार लग गया, अरे साबुल्लाह मिले कहाँ यार साफ कपड़ा साफ ना, मगर तौबा के होना वैसी दिल टूटते थपड़े मार रहे हैं, दिल में कल करूँगा, रात होते ही लैंड में शराब पीऊँगा, सुबह में पानी नहा के भी तौबा करूँगा, नहीं दोबारा नहीं। शरीयत में तीन चीज़ों के मजबूर तौबा है, एक तो पहले इल्म होना करा गलती करा, दूसरा शर्मिंदा होना नदामत होना, सगर में नदामत ही तौबा है, शर्मिंदगी होना दिल में अरे गलत करा भाई, तीसरे आइंदा नहीं काफी मुश्किल 10 साल की उम्र से 80 साल तक पूजा किया है पत्थर की पूजा किया है आज से आ रहा है गलत है भाई, हम ही मूर्ति बना रहे हैं कलर मार रहे हैं फिर छोड़े, कोई मुसलमान सही होते एक अल्लाह सही है ये क्या है जी, खुद ही कलर मार रहे हैं फिर पूछे छोड़े दिन में अल्लाह डाला उसके, आया इमाम साहब बस इमाम साहब मैं मुसलमान होना चाहता हूँ कलमा पढ़ाइए, तो आप जो है लेके अपनी कथा गलत है क्या है खुद मूर्ति बना रहे पूजाएगी अल्लाह है वो गलत, एक अल्लाह सही है इस्लाम ला लिया रमजान थे इतवा से रात में इंतकाल हो गया, कहाँ जाएगा उन्हें जन्नत, तौबा वो चीज़ है मगर दिल से होना, या जब भी गए माफ़ी मांगी आइंदा नहीं करूँगा ये इरादा ज़रूरी है, खाली थपड़े मारे दिल में क्या फिक्र करेंगे, रात में लाइट बंद करके फिर शराब, सुबह नहा लेंगे फिर माफ़ी मांगेंगे नमाज पढ़ेंगे, तौबा नहीं दिल लगी अल्लाह से, मिसाल देखिए अब की आप जा रहे हैं रस्ते में इतवा के लिए माफ़ करना भाई माफ़ ज़्यादा धक्का दिए माफ़ करना भाई फिर धक्का दिए माफ़ करना भाई फिर पछका हाँ बाबा चप्पल हाथ में दे रहा हूँ मारते जा रहा है माफ़ करो बोलते जा रहा है चप्पल ले जाते ऐसे ही दिल लगी कर रहे अल्लाह से यार कर रहे दिल में फिर कर करेंगे तौबा नहीं तौबा है नहीं वो तौबा वो है आइंदा नहीं करूँगा, अल्लाह हमको अता फरमाए अल्लाह हम सबको इल्म में अता फरमाए जब दुनिया पढ़े कुछ दीन सीख ले तो फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے اپنے کرم سے اپنے اسماء الحسنیٰ اسماء حضرت طفیل زندگی بھر کے ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما سارے مقاصد پورے فرما ساری دعائیں قبول فرما ہر گناہ سے بچا ہر نیکی عطا فرما ہمارے قلب قلب سلیم بنا نسک و نسو مطمئنہ بنا تسکیے نہ تصویر عطا فرما یا اللہ یا اللہ نماز کی پابندی عطا فرما ماں باپ کی خدمت حلال روزی آپ میں اتحاد محبت دے یا اللہ سارے دنیا فتنے بچا لیا اللہ علم دین سیکھنے دین دعوے پڑھنے اور جو ہے اس پر عمل کرنے تو عطا فرما اللہ یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام بھائی آئے ہیں اس وقت کوئی غرض نہیں ہے صرف آپ کے حبیب پاک کے معراج کے واقعات دین کے بارے سننے آئے ہیں حاضری قبول فرما یا اللہ ایک اور نیک کر دے جتنے حاضر ہیں جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ جھگڑا محبت دے کوئی برائی ہے جھگڑا گناہ سے بچا لے شادی نہیں ہوئی بچی شادی کرا دیں ہم سب کے سارے قرض عطا فرما دیں آمین اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقینا عذاب النار وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب القبر وقینا عذاب سکرات الموت فاغفر لنا اجمعین وارحمنا اجمعین وتقبل اعمالنا برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین